क्या बात है पहले ही साल में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज अच्छा कर रहे हो थैंक यू सर वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट 183 एंड रन्स पचास ओवर की कीपिंग के बाद 46 ओवर की बैटिंग इट्स नॉट इजी सर आपको तो पता ही है विकेट बहुत फ्लैट था एंड अगर कर कंसिस्टेंटली करते रहेंगे नो कंडीशन अलग अलग होंगे तो फिर फ़ायदा होगा यार वो तो है एटीट्यूड उस तरीके का होना चाहिए कि मैं चाहता हूँ हर मैच में मैं कंट्रीब्यूट करूँ एंड द की कितने आप वेल well प्रिपेयर्ड हो किस तरीके से आपने प्लान किया है आप किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करोगे डिपेंडिंग ऑन द ऑपोजिशन तो कोशिश तो कर रहा हूँ एंड भी क्या जितने ज़्यादा मैचेस मिलेंगे तो उतना एक्सपोजर ज़्यादा होता है आप धीरे धीरे सीखते हैं सीनियर प्लेयर साइड में तो वो बहुत हेल्प करते हैं तो कोशिश कर रहा हूँ अब आ, <laughs> पहले रिलैक्स हो जाओ थैंक यू सर देखो एक्सपीरियंस के साथ काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी बट नए चैलेंजेस भी आएंगे सामने जितना ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेलोगे ऑपोजिशन उतना अच्छा से प्रिपेयर करेगी कि मुझे तुम्हारे अगेंस्ट यू नो किस तरीके की प्लानिंग करनी है किस तरीके का प्लान बना के एग्जीक्यूट करना है आपको खुद को इम्प्रूव करते रहना पड़ता है एंड आज आप तीन नंबर बैटिंग कर रहे हो कल को आप लोअर ऑर्डर में अगर बैटिंग करोगे तो रिक्वायरमेंट्स आर वेरी डिफरेंट उसके लिए मेंटली रेडी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और साथ में प्रैक्टिस करते रहना कि उस सिचुएशन में अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं किस तरीके से बैटिंग करूँगा यू हैव टू बी अहेड ऑफ द गेम एट द सेम टाइम यू हैव टू एन्जॉय द गेम और जितने ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे उतना तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को प्रूफ करने की सो so, जो भी टीम की रिक्वायरमेंट होगी वो प्रायोरिटी होगी क्या सोच रहे हो सर आपने इतने सारे ओ खेले हैं टेस्ट मैच खेले हैं आपका फेवरेट इनिंग्स कौन सा है, इनो जो आ, आपको लगता है कि आपकी बेस्ट इनिंग्स है अभी तक? वर्ल्ड कप फाइनल्स उस मैच को फिनिश करने का मजा ही कुछ और था सर वर्ल्ड कप फाइनल 2011 थाउजेंड स्टेडियम सर हम फाइनल मतलब वर्ल्ड कप जीत गए हम तुम्हारी मेहनत के कारण ही वो इनिंग्स पॉसिबल हो पाई एक सैक्रिफाइस और कर लेना वो जो तुम्हारे फेवरेट्स हैं ना बटर चिकन सॉफ्ट ड्रिंक मिल्क शेक धीरे धीरे इनको भी छोड़ देना सर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के चक्कर में तो आपने सारी अपनी फेवरेट चीज़ें छोड़ दी नहीं नहीं ऐसा नहीं है बाइकिंग कभी नहीं छोड़ूंगा चलो सर थैंक गॉड एटी बाइक्स हैं सारी की सारी तुम्हारी फेवरेट और हमारी पहली बाइक भी है सर वो सजा के रखी है या चलती भी है अभी चलती नहीं है दौड़ती है पहली बाइक है स्पेशल ख्याल रखता हूँ इसमें सिर्फ गल्फ प्राइड ऑयल ही डालता हूँ ये इंजन को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ पिकअप को भी बरकरार रखता है सालों साल सर यहाँ भी एकदम कंसिस्टेंट होगा तो लास्ट कब गया था बाइक राइड पे बस हो गया घुटने ठीक है हाँ नीट टूटे अभी